हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरी एक और इसने एपेक्स लैंड मोबाइल की वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर अपडेट हुए हैं एपेक्स लैंड मोबाइल के लिए। यहाँ पर रैम में थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, वो आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर एक इन्होंने चेंज किया है वो दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे iOS की रिलीज डेट के बारे में कि ये जो बीटाज आ रहे हैं तो iOS के लिए कब तक हमें कुछ देखने को मिलेगा ये भी बात करेंगे, एंड नेक्स्ट होगी रिलीज डेट। तो सारी चीज़ों की यहाँ पर बात करने वाले, वीडियो को यहाँ पर एंड तक देखना। आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप यह चैनल पर नए आए हो जरूर से सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट जरूर से कर लेना ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जाएंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की तरफ। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है टैप टैप वाला स्क्रीनशॉट, पर यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं जहाँ मैंने एरो दिया है तो वहाँ है मेमोरी में 4GB अप कर दिया गया है। मतलब अब आपको 4GB तक का रैम यहाँ पर चाहिए होगा, 4GB रैम आपको चाहिए होगा इस गेम को रन करने के लिए। पर दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप सोच रहे कि यार ये लोग तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाते जा रहे हैं और जब गेम ग्लोबल लॉन्च होगा तो और ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी, कहीं 6 से 8GB रैम ना हो जाए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी कोई गेम बीटा टेस्टिंग में होता है तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डिवाइस में गेम को टेस्ट करती है ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स निकल करके आ सके और उनको जल्दी से जल्दी फिक्स किया जा सके। बीटा जो होते हैं गेम के वो जनरली थोड़े हैवी होते हैं एंड थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं, पर जब ये गेम ग्लोबली लॉन्च होगा तो इसकी रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल हो जाएंगी एंड मेरे ख्याल से 3GB रैम में भी ये गेम आराम से चलेगा, ठीक है। तो ये हुआ एक पहली चीज़ जो ये चेंज था मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। दोस्तों देख सकते हैं इन्होंने अपनी वेबसाइट से जो पुरानी डेट्स थी, जैसे कि इन्होंने लिखा था एज ऑफ 21st, यहाँ पर आप दोनों चीज़ें दोनों स्क्रीनशॉट में डाल दे रहा हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इंडिया, फिलीपींस एंड मलेशिया के लिए लिखा था एंड डेट भी दी थी, पर यहाँ पर अब इन्होंने रिमूव कर दिया। इसका मतलब शायद से ये लोग न्यू डेट्स को अपडेट करेंगे जल्दी ही, देखते हैं। जैसे ही अपडेट करेंगे मैं तो आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा। तो ये चीज़ इन्होंने की है। और वैसे भी अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर iOS के रिलीज डेट के बारे में। दोस्तों iOS की रिलीज डेट तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि iOS के लिए लोग कोई भी बीटा नहीं देने वाले हैं, डायरेक्ट ग्लोबल लॉन्च होगा। क्योंकि ज़्यादातर मैंने कभी सुना भी नहीं है कि एप्पल में ज़्यादातर टेस्टिंग्स वगैरह होती है गेम की, मतलब उनके ऐप स्टोर की शायद कुछ ऐसी पॉलिसीज वगैरह हैं, तो शायद से डायरेक्ट गेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट ये रिलीज डेट के बारे में। दोस्तों ये IMO का आप ट्वीट देख सकते हैं, कल के दिन आया था। तो यहाँ पर ये कहते हैं फॉलोइंग द प्रीवियस बीटा आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द बीटा टू ड्रॉप वेडनेसडे अर्ली आवर्स इन द मॉर्निंग एज दैट्स द डे इफ इट ड्रॉप्ड बोथ टाइम्स प्रीवियसली अगेन आई होप यू टू एन्जॉय इट। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये जो नेक्स्ट बीटा है ये शायद से ये जो वीक आज से स्टार्ट हुआ है मंडे से, ये वेनसडे ड्रॉप हो सकता है सुबह के दिन, क्योंकि पिछली बार जो दो बीटास आए थे वो भी वेनसडे को सुबह के टाइम ही ड्रॉप हुए थे। तो इनका ये एक प्रिडिक्शन है, ऐसा ही मत सोच लेना कि भाई इन्होंने कह दिया और मैंने भी कह दिया तो इस दिन आ ही जाएगा। पर हाँ दोस्तों इतना तो पक्का है कि इसी वीक में आना है, 26 से लेकर के 30 तारीख तक, जैसे कि हमें डेट्स मिली हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, सब लोगों ने बताया कि 26 से लेकर के 30 तारीख तक देखने को मिलेगा। तो बस इतनी होप रखो कि हाँ इस वीक के अंदर मिलेगा, रोज़ मत ऐसे रात रात को जाग के बैठो कि भाई आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कि जिस दिन आएगा आपको वीडियो मिल जाएगी। और बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको मैं APK एंड OBB प्रोवाइड करा सकूं। दोस्तों वीडियो बस इतनी थी, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, सारे अपडेट्स यहाँ पर दिखा दिए। पसंद आई हो लाइक करना, अगर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर नए हो जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रॉम APEX ZONE।